प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। स्वतंत्रता दिवस समारोह में 21 दिन रह गए हैं। इस दिन लाल किले से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इस समारोह में आमतौर पर बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, जिसमें तमाम मंत्री, विपक्ष के नेता, स्कूली बच्चे, आम लोग, पुलिसकर्मी, राजनयिक और सेना के जवान शामिल हैं। इस समय कोरोना संकट है, लोगों के इकट्ठा होने से व्यापक पैमाने पर संक्रमित होने का खतरा है। इसीलिए सरकार ने इस बार लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन के मुताबिक इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में मेहमानों की संख्या घटाई गई है। इस बार लाल किले में केवल 250 लोग ही शामिल हो सकेंगे। स्कूली बच्चों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी, केवल NCC कैडेट ही भाग ले सकेंगे। मेहमानों की सूची रक्षा मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप से तैयार की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवान PPI किट में होंगे। मेहमानों के अलावा लोगों को बैठाने के लिए दरी की बजाय कुर्सियों का इस्तेमाल किया जाएगा। कुर्सियां इस तरीके से लगाई जाएंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। परंपरा रही है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह वाले दिन दोपहर को राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह किया जाता है। इस दिन बुलाए गए मेहमान राष्ट्रपति के साथ लंच करते हैं। यहाँ भी मेहमानों की संख्या घटाई जाएगी। कार्यक्रम मुगल गार्डन की बजाय कहीं और किया जाएगा, क्योंकि बारिश की संभावना बनी रहती है। गाइडलाइन के मुताबिक कार्यक्रम में मुख्य प्राथमिकता कोरोना वॉरियर्स होंगे। इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा से जुड़ी वैसी हस्तियों को बुलाया जाएगा जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर अहम भूमिका निभाई। लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बांस बल्लियों की सहायता से कार्यक्रम स्थल बनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक लाल किले के प्रांगण को 1 अगस्त से आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसे दोबारा 7 अगस्त को खोला जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम की तैयारियों के लिए तकरीबन 2000 मजदूरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोरोना संकट की वजह से अधिकांश लोग घर चले गए हैं, जिसकी वजह से दिक्कत पेश आ रही। सूत्रों का कहना है कि समारोह में सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसी भी तरह संक्रमण ना फैले, इसका ध्यान रखा जाएगा। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार समेत देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।